गुड मॉर्निंग। टुडेज टॉपिक इज लेनस फॉर्मूला। लेनस फॉर्मूला क्या होती है, किस तरीके से डिराइव करते हैं, यह आपको मैं बताता हूं। लेनस फॉर्मूला, इट इज द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इज कॉल्ड लेनस फॉर्मूला, या द रिलेशन विच कनेक्ट्स द फोकल लेंथ, द ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस एंड द इमेज डिस्टेंस इज कॉल्ड लेनस फॉर्मूला। लेनस फॉर्मूला इज रिप्रेजेंटेड एज 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। ये है लेनस फॉर्मूला। वी हैव टू डिराइव दिस लेनस फॉर्मूला फॉर कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। याद रखिए बेटा, हमें ये कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस के लिए लेनस फॉर्मूला निकालनी है। और पहले मैं निकालूंगा कन्वेक्स लेंस के लिए, और कन्वेक्स लेंस के लिए हमें दो इमेजेस बनती है, रियल भी और वर्चुअल भी। मैं पहले रियल के लिए लेंस फॉर्मूला निकालूंगा, फिर वर्चुअल के लिए। लेंस फॉर्मूला फॉर कन्वेक्स लेंस, सबसे पहले आप लोगों को एक कन्वेक्स लेंस लेना है। दिस इज द कन्वेक्स लेंस, ठीक है बेटा। और इट इज ऑप्टिकल सेंटर सी, दिस इज कॉल्ड द ऑप्टिकल सेंटर। अ लाइन, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर। देन दिस इज वन ऑफ द फोकस एंड इट इज अनदर फोकस, ठीक है बेटा। नाउ we have to, when image is real image, for real image the object is held perpendicular beyond focus f, a b hai object, focus se piche rakhna hai, theek hai beta। yahan se hame do images draw karni hai, दो रेज, एक तो पैरेलल जाएगी, एक तो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। जो ऑप्टिकल सेंटर से निकलती है वो स्ट्रेट आती है ऐसे, ठीक है बेटा। और आप लोगों को पता है जो पैरेलल जाएगी वो रिफ्रैक्ट होके फोकस से निकलेगी। और इधर देख लीजिए, जहां ये मीट करेंगे इनको एक्सटेंड कर दीजिए, ये मीट यहां पर कर रहे हैं, इधर देख लीजिए, वहां तक आप लोगों को एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये बन गई ए डैश बी डैश, ये बन गई इमेज ए डैश बी डैश। देख लीजिए, when the object AB is held perpendicular to the principal axis beyond focus, a real inverted but magnified, this is the magnified image A dash B dash is formed। आप लोगों के सामने है, आप लोगों को क्या करना है, यहां पर D रख दीजिए, ये है D और ये सी, यहां से यहां एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए, ठीक है बेटा। दिस पॉइंट इज डी। नाउ आप सबको पता है ऑल द डिस्टेंसेज आर, दिस इज द रूल फॉर दिस इज दीज आर द साइन कन्वेंशन फॉर लेंस। ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक कितनी डिस्टेंस होगी यू, ऑप्टिकल सेंटर से इमेज तक, ऑप्टिकल सेंटर से इमेज तक है वी,
ठीक है, ये हो गया सेंटर से फोकस तक हो गया फोकल लेंथ, इट इज एफ, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों के पास है, बाद में साइन कन्वेंशंस लगाएंगे। नाउ फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल्स, फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल्स, सिमिलर ट्रायंगल्स कौन कौन सा सिमिलर ट्रायंगल है बेटा, सिमिलर ट्रायंगल कौन कौन सा है, ए डैश बी डैश सी, ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल दोनों है, ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। व्हेन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देयरफॉर देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू सी बी डैश अपॉन सी बी, सी बी डैश अपॉन सी बी, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है बेटा। सिमिलरली ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी सी एफ, डी सी एफ ए डैश बी डैश एफ सिमिलर टू ट्राइंगल डी सी एफ, याद रखिए। अगर ये दो ट्राइंगल भी सिमिलर है देयरफॉर देयर साइड्स आर आल्सो प्रोपोर्शनल, दैट मीन्स ए डैश बी डैश अपॉन ए बी के बजाय डी सी इज इक्वल टू बी डैश एफ अपॉन सी एफ, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। मैंने दो ट्राइंगल्स लिए, पहले ए डैश बी डैश एफ और फिर डी सी एफ, कंपेयरिंग, अच्छा पहले बट डी सी किसके बराबर है, बराबर ए बी, ए बी एंड डी सी आर इक्वल, बट ए बी इज इक्वल टू डी सी, तो मुझे बता दीजिए ये क्या बनेगा, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी डैश एफ अपॉन सी एफ, दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। नाउ कंपेयरिंग फर्स्ट एंड थर्ड, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड थर्ड, शाबाश बेटा, फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर कर दीजिए, हमें आएगा सी बी डैश अपॉन सी बी इज इक्वल टू बी डैश एफ अपॉन सी एफ, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब सी बी डैश, अच्छा बी डैश, पहले हम सी बी डैश को इसी तरीके से लिखेंगे, अपॉन सी बी को भी इसी तरीके से लिखेंगे। अब मुझे बता दीजिए बी डैश एफ, बी डैश एफ को लिखूंगा मैं सी बी डैश माइनस सी एफ, सी बी डैश माइनस सी एफ, सी बी डैश माइनस सी एफ अपॉन सी बी डैश माइनस सी एफ अपॉन सी एफ, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर फिफ्थ, फिफ्थ इक्वेशन है। नाउ यूजिंग साइन कन्वेंशंस, नाउ यूजिंग साइन कन्वेंशंस, ठीक है बेटा, साइन कन्वेंशन का यूज कर दीजिए। सी बी डैश, सी बी डैश, सी बी डैश हो गया प्लस वी, फिर आएगा सी बी, सी बी माइनस यू, ठीक है बेटा, फिर है सी एफ, सी से एफ तक प्लस एफ, ठीक है आगे सारे। तो इक्वेशन फिफ्थ बिकम्स,
इक्वेशन फिफ्थ बिकम्स, बता दीजिए इक्वेशन फिफ्थ क्या बनेगी, सी बी डैश वी अपॉन सी बी माइनस यू इज इक्वल टू सी बी डैश, सी बी डैश शाबाश बेटा, सी बी डैश वी अपॉन नहीं वी माइनस सी एफ हो गया एफ अपॉन सी एफ अपॉन एफ, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई वी एफ इज इक्वल टू माइनस यू वी माइनस माइनस प्लस यू एफ, ठीक है। ये इधर लाइए या एक मिनट, ये इधर ले लीजिए और ये इधर लाइए, हो गया यू वी इज इक्वल टू यू एफ माइनस वी एफ, ठीक है। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय यू वी एफ, ठीक है बेटा, यू वी एफ से डिवाइड कर दीजिए, यू वी अपॉन यू वी एफ इज इक्वल टू यू एफ अपॉन यू वी एफ माइनस वी एफ अपॉन यू वी एफ, ठीक है। ये आ गया यू और यू वी कैंसल, यू एफ और यू एफ कैंसल, वी एफ और वी एफ कैंसल, वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू। दिस इज रिक्वायर्ड लेंस फॉर्मूला फॉर कन्वेक्स लेंस, मगर व्हेन द इमेज इज रियल, ठीक है बेटा। अगर हमें वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज में डायग्राम बनेगी अलग, प्रोसीजर से वर्चुअल इमेज में सिर्फ डायग्राम बनती है अलग, बाकी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रहेगा वर्चुअल इमेज के लिए। वर्चुअल इमेज के लिए आप लोग देख लीजिए बेटा, वर्चुअल इमेज कन्वेक्स लेंस के लिए, वर्चुअल इमेज इसमें आप लोग देखो क्या करना पड़ता है बेटा, ये एक कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस से जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, दिस इज फोकस, और फोकस से पहले रखना पड़ता है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है ए बी, दिस इज ऑब्जेक्ट ए बी, और इस ऑब्जेक्ट से आप लोगों को टू रेज जो हमें ड्रा करनी पड़ती है, वन इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है बेटा वो फोकस से निकल जाएगी रिफ्रैक्टेड रे, एंड द सेकंड वन इज थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, इधर देख लीजिए ऐसे, ये कहीं पर भी मीट नहीं करेंगे अगर एक्सटेंड करेंगे, इसलिए इनकी रियल इमेज तो बनेगी नहीं, इसलिए इनको बैकवर्ड करके हम वर्चुअल इमेज बनाते हैं, बैकवर्ड करके हम वर्चुअल इमेज बनाएंगे, इधर देख लीजिए, इसको एक्सटेंड कर दीजिए और इसको एक्सटेंड कर दीजिए, जहां पर भी ये दो रेज मीट करेंगे वो बन गई बेटा वर्चुअल इमेज, दिस इज वर्चुअल इमेज ए डैश बी डैश, ये वर्चुअल है क्योंकि एक्चुअल इंटरसेक्शन रेज का नहीं हुआ, और आप सबको पता है सी से सेंटर से यहां तक यू है, सेंटर से यहां तक वी है, और सेंटर से फोकस तक शाबाश बेटा एफ है, बराबर ऐसे ट्रायंगल लेने हैं, साइन कन्वेंशन यूज करना है, यू नेगेटिव वी नेगेटिव एफ पॉजिटिव, और फिर से इसी तरीके से फॉर्मूला बनेगी, यही बनेगी लेकिन सिर्फ रे डायग्राम अलग से आएगी, दिस इज द लेंस फॉर्मूला फॉर कन्वेक्स लेंस बट द इमेज इज वर्चुअल, ये वर्चुअल इमेज, ठीक है बेटा। तो इसी का अगर हम तीसरा पार्ट इस क्वेश्चन का देखेंगे,
दैट इज लेंस फॉर्मूला फॉर कनकेव लेंस, बट अगेन कनकेव लेंस के लिए भी वर्चुअल इमेज होती है, कनकेव लेंस। कनकेव लेंस मगर इमेजेस ऑलवेज वर्चुअल, वर्चुअल इमेज। और याद रखिए बेटा, कनकेव लेंस इस तरीके से बनाया जाता है। कन्वेक्स तो आप लोगों को मैंने दिखाया, दिस इज कनकेव लेंस, ऐसे बनाया जाता है कनकेव लेंस। कनकेव लेंस में भी ऑप्टिकल सेंटर यहां पर रखते हैं ऐसे, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर को आप लोगों को पता है, इसके भी दो फोकस, एक यहां से एक यहां से, दो फोकस है। और फोकस के यहां पर रखना है ऑब्जेक्ट, दिस इज ए बी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से फिर से आप लोगों को कितनी रेज ड्रा करनी है, टू, वन इज पैरेलल, शाबाश बेटा पैरेलल, एंड अनदर इज ऑप्टिकल सेंटर थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर वाली रे स्ट्रेट निकलेगी, लेकिन याद रखिए ये जो कनकेव लेंस है ये डाइवर्ज करता है, कन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करता है। ये जब यहां आएगी रे ऑफ लाइट यहां से निकल जाएगी, ये डाइवर्ज करता है। ये अगर यहां से हम डालेंगे तो इधर से निकलेंगे, कन्वर्ज के बजाय ये डाइवर्ज करता है ये रे को। इसको बैकवर्ड लाना है आप लोगों को, और ये फोकस पर आएगी, और जहां पर इसने इस रे को काटा ये बन गया इमेज ए डैश बी डैश। ये वर्चुअल इमेज है लेकिन डिमनिश्ड है, इरेक्ट है, डिमनिश्ड है और वर्चुअल इमेज है। यहां पर आप लोगों को बराबर वैसे ही करना है, इट इज डी इट इज सी। ये बन गई इस वक्त की डायग्राम कन्वेकेव लेंस के लिए, लेकिन कनकेव लेंस में रे डाइवर्ज होती है जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी। तो आप लोगों को बराबर वही ट्रायंगल लेने हैं, ए डैश बी डैश सी और ए बी सी, फिर ए डैश बी डैश एफ और ए बी एफ। आप लोगों को जब ये लेंगे ट्रायंगल बराबर, फॉर्मूला यही आएगी, दिस इज लेंस फॉर्मूला फॉर, शाबाश बेटा इट इज लेंस फॉर्मूला फॉर, बराबर आएगी ऐसे ही, सिर्फ साइन कन्वेंशन चेंज हो जाएंगे तो निकल जाएगी हमें लेंस फॉर्मूला फॉर कनकेव लेंस। व्हेन द कनकेव लेंस इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल, ओके।